मेरी मासी होनी कहिंदे असीं ना किसी बाहरली कंट्री घूमना ते इन्हां नूं मैं लिया दूजी बाहरली कंट्री। मैं किहड़ी कंट्री लेके तुसीं वीडियो देखदे रहे ते करदे आपां वीडियो शुरू। ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਨੇਪਾਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਵੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੇਪਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਭਾਈ, ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀਆਂ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਆਹ ਪਾਸੇ ਉੱਧਰ ਦੂਜੀ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹੈ। इत्थे भी डंगर घूमदे भाई सड़कां पर इत्थे मज्जां घूमदे ओ करला भाई साइड इहनां नूं। चल भाई चल चल, बकरियां बैठी आराम नाल सड़क दे पर लै, एड्डी सड़क साडी हो जाओ जो साडो जो हो गया हो गया हो गया। ये कहां मनदी है हुण ना, असीं जंगल दे विच एंटर होण लगे आ। सारा जंगल जिहड़ा साइड ते शुरू हो जांदा ते तुसीं देखो किन्नी हरियाली, खूबसूरत जंगल है। ते आ बॉर्डर आ जांदा भी है, बॉर्डर नहीं आया ना, फिलीपी तो टाइगर टाइगर रेजिडेंस अच्छा अच्छा ठीक है। लै भी हम थोड़ा अगे जाके दिखावा, जंगल शुरू हो गया सारा है। हाँ लो जी हो गया शुरू जंगल, घना जंगल है ना। चलो आ नदी घूम के फिर उही आ गई, नहर है नदी जी अपनी लंगूर बैठा, लंगूर इधर दिखा मैं लग गया बैठे लंगूर, इधर लंगूर की पार्टी आ गई इधर। हाँ लो जी हम बार्डर क्रॉस कर लगे असी, हाँ इतने उत्तराखंड का ना अपना उत्तराखंड जो एंटर होने लगे असी, यूपी तो उत्तराखंड में लो जी एंटर हो गए असी। लो जी हाँ लो जी एक शहर है छोटा जहा, वैसे कस्बा जी कह कटीमा, कटीमा आ गया कटीमा, वो सामने पहाड़ी दिखते जी नेपाल दी सामने, उत्तराखंड नेपाल दी नहीं हूँ मैं पता है, उत्तराखंड दिखते बच्चे जी दिखती है। हाँ लो जी पुज गए गुरद्वारा नानक मता साहब, तो आ बाजार है इतने सामने गुरद्वारा साहब। चलो थोड़ा अंदर जाके दिखाने, तो अपनी गड्डी उत्थी गड्डी पार्क हुई, अपनी पिछले साल भी इतनी पार्क करी थी अपने गड्डी है ना, इतनी कढ़ाई थी अपने इतनी हूँ खड़ गई सामने गुरद्वारा साहब नानक मता। तो इतने साढ़े पहले पातशाह गुरु नानक देव जी आए थे, तो सामने पिपल से थोड़ा दर्शन करवा जो कहते सुक्का पिपल से हरा हो गए जो आए थे। गुरुद्वारे साहब आए तो ऐ सर सरोवर है, सरोवर के नाल लगते इतने अजायब घर है, तो तुम जरूर इतने भी दर्शन करके जायो। ਸੁਖ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰਚਰਨਾ
चढ़ाई च बहुत ज़्यादा वड्डा तो इत्थे लोगों की सुखना पूरी होंदी जो लोग सुख मंगते हैं तो करते कहते उधर मेन एंट्रेंस में एंट्री करिए साइड के इधर है तो अस कहना मूहरों एंट्र मेन एंट्री में एंटर मारीे इतने भी एडे एडे व्डे व्डे आने लंबे वध के तो उन्होंने सपोटा लाई हुई थले आखिर तो सपोटा लाई हुई भी एडे लंबे लंबे टाणी हो भी थले लमक दी है भी टुटन तो ना गिरन तो थले इन्हें थले सपोटा लाती है यह उन्होंने बोलने खूह है तो इतने फिर संगत पानी पीदी है तो देख लो सर हाँ पिपल के सामने एक होर देख रहा जो इधर के पंजाबी है मैंने इतने फुल पा आए हुए हैं तो वो पिछे दो फैमिली लंघ गई इतने फुल पाते मैं देखे ना वो परले पास पानी पास पानी के पिछे पा देंगे फुल हम चले असी नेपाल के बार्डर पर तो थानू दिखाऊंगा नेपाल तो चल चलो थोड़ा जंगल जहाँ आया वो सामने जो पहाड़ देखते हो नेपाल के पिछे वैसे उत्तराखंड भी है नेपाल भी है सड़क तो बहुत सोहनी हम इधर अभी टर्न करके इतों तो तकरीबन चार पांच किलोमीटर रह गया अगे बार्डर छे किलोमीटर रह गया बस इतों बोल दे वो कहते मोड़े दोगे गोली तो नहीं मार लगे डरी जाने बार्डर देखा को जाके पिछे ना पिछे बैठे मासे डरी जा रही है पुछ भी लो किसी मैप च दिखा रहा सही दिखा रहा है जो भी इधर अभी वादे जाए थोड़ा ना नेपाली टाइप जी अखा जी आने जिद भीड़ी नहीं होंगी अखा उन्होंने उदा दी आई जा रही है लोगों दी थोड़ा चेहरे जो बदलने बदलने लगे ठहरी है उत्तराखंड के पता नहीं क्या लिखे मतलब इतने तो बाजार खत्म हो गया असं पिछले पूछे तो भी कबीर न क्या बाजार इतने तक है मैं गलत ना कहीं फस गए हो गए चलो दरिया कोई हम पता नहीं कि नदी है यह दरिया पता नहीं हम नहर कि है वो सामने जो पुल जहा दिख रहे ना पिछन वो पार करके जाना असं ए शायद होगी सिक्योरिटी चैकिंग शायद पुल पर मेरे ख्याल के बाकी देखते जाके क्या कहें साड़ा फर्स्ट टाइम है ये बाकी पता लगेगा अगे जाके कहते दो तो चार खुलता है तो आह कोई दरिया है हम मैं पता नहीं कि मैप्स तुम्हें देख के दस देना हम सू थोड़ा जहाँ इनफॉर्मेशन लेनी मैंने इसने पिछले एक गेट टप्पे ना उतो परची लेके आनी तुम वो परची फिर पिछों लिया के ना परची फिर इतने दिखाई पैंती है हम सू पिछे जाना पैना तो चलते जाके देखते हैं इतने बैरियल तो बैरियल पर तो सू सारी गड्डिया पिछले मुड़ दी भी जो सारे बंद साढ़े मंगे हैं पहली पहली बार तो एक गड्डी कटती उन्होंने तो हम जाके पिछों परची लिया के थोड़ी जी रिक्वेस्ट कर लेंगे भी जो सू कट देना इतने तो देखते हैं कर देने ना गलबात माड़ी मोटी आ गए फिर भी क्या कहें पानी दे ना वो पत्थर खह के आया होंगे साफ जी नहीं पत्थर खह कह के आया पानी लो जी इदा टोल वाली परची मिल गई इतने पैंती रुपए मजबूरी है लिखा हुआ भी है पर डंडा डंडा एक लगे हुआ जब पिछे चल
ਮੋੜਨਾ ਡੰਡਾ ਚੱਕਿਆ ਆ ਡੰਡਾ ਉੱਪਰ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਟੋੜ 3-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਇੱਥੇ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਟੋਲ ਪਰਚੀ ਹੈ ਟੋਲ ਵਾਲੀ ਆ ਹਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਮੇਰੀ ਗਾੜੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਨਾ ਲੜ ਜਾ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਹੁਣ ਸਟਾਫ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਚਲੋ ਭਾਈ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ फिर दोबारे मुड़ के चलते हैं आ गए असी परची कटाया है कहते हले पूरे 2 बजे गेट खोलना है जब तक उं गेड़ा छेड़ी ला लेंगे फोटा फोटा खिंच लेंगे उधर पानी ए साइड से भी आता है ऐ दी पानी आ रहा उधर तो भी आता जब उधर छड़ते होने पानी मैं कहता है पूरे 2 बजे खोलिया है ना देखो गेट हले 2 मिनट पे है 2 मिनट पहला खोलिया गेट बाकी देखते हैं बार्डर पर जो कुछ हों जरूर दसागे असं सिंगल रोड है इतने ट्रैफिक जाम हो गई है तो सारे खड़े कदा झुंड बन गए चारे पासे ओ तक नु खड़ गए चला बस चढ़ा के रख फोन मुड़ा जा इधर मारे कबूतर ये बन रोक चल 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 भाई चल चल भाई चल निकले गए भाई जुद जाते हैं मारे कड्ढे लई ਹੁਣ ਉਧਰ ਸਾਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ 6 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲ ਦਿਓ ਮੜਾ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਧਰ ਤੇ ਆਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇਪਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਸਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪਰਚੀ ਪੁੱਛੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿਤੇ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪਰਚੀ ਮਿਲਦੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਚਲਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੱਲੇ ਇੱਧਰ ਤੇ ਹੌਲੀ 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 ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਪੰਜਪਾਲ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਦਾ ਟੋਲ ਬੈਰੀ ਤੇ ਇੰਡੀ ਜਪਾ ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਰਚੀ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਿਰ टोल की पर्ची है इतने वापस इतने पर्ची लेनी फिर अपने हलोड़े ही बहुत 2 बार गड्डी साड़ी थले लग ली चल भी चल खिंच दे हौली 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 लो जी हुण ओह सामने नेपाल चैक पोस्ट असीं आर्मी की क्लीयर करिया है तो उत्थे सिर्फ साडा गड्डी का नंबर किहदे नाम पर गड्डी दा लाइसेंस नंबर सारा उन्होंने भरिया तो हूँ इतने हाँ इंडिया मैं लगता भी बॉर्डर असं क्रॉस करके नेपाल च एंट्री होनी साड़ी है वो सामने देखो नेपाल का फ्लैग आ गया अगे वो जो सामने वाला नेपाल का फ्लैग हूँ इतने एक एंट्री जी होर होनी है तो बस इतने गेड़ा कट के अभी तो मुड़ जाना बई सू तो लगता डर प्री कार्रवाई है बहुत इतने का लोग भी नेपाल च एंटर हो चले असं नेपाल आने के बाले गंदे रोड है यार है उ एंट्री आके देखिए तुम देख के चढ़ाई हो यार चढ़ जानी टेंट लाचा टा चढ़ा के ना चलो देखो वो सामने चेक पोस्ट आ गई नेपाल आने की चलो देखते दे हूँ जाके फिर मैं थोड़ा दसदा क्या कुछ होया तो इस तो बाद वो जी हूँ असं ना नेपाल एंटर हो गए इतने एक सुविधा फर बनता वो जरूर बना के जाना जो उस तो बगैर एंट्री नहीं हैगी ठीक है वो एंट्री तो मिल जाती है तो फिर नहीं फैन हो जाएगा हाँ 6-7 हज़ार का फिर फैन करते हैं वो सामने जाके तो सुविधा फर बनता बना पैना जरूरी है वो चलो आप खड़े गड्डी अपने पहला मूहरे एक इदा का ना सुविधा फार्म बन जाता एक बंद बनता वैसे सिर्फ जिद्दों पर गड्डी आ सारा कुछ लिखा जाता है पर एक इदा का बनता जरूर बना लो नहीं कहते बाह गह जाके ना गह जो बाजार जाने 5-6 हज़ार का जुर्माना कर जो थोड़े को आ सुविधा फार्म ना हो जरूर नेपाल जो एंट्री करते जरूर याद रखियो ये असं भी पंगा ही लिता ता ही बंदा सीखता जो पंगे ले लेके नहीं घर बैठे सूँ कुछ नहीं पता लगना हम सू पता लग गया जी अगे अगे नेपाल जावे तो फिर इदा सू कम करना हम सू चेते रहूगा बाकी वीडियो बने गई है इतने भी भाई गए घूमते सड़क पर हाजो भाई आ नेपाल है जी आह देख लो भाई नेपाल
नेपाल की धरती आ गए, नेपाल की धरती पर दूजी कंट्री आ गए। मैं तो कुछ भी नहीं, अपने वर्ग ही इंडिया वा तो सानू तो कुछ नहीं सी कि मार्केट होगी बड़ी सारी, तो शॉपिंग करके वापस आ जाऊंगे। इतने कोई मार्केट ही नहीं आ रही है कि मुला तो इदी वापस जाना पैना। चल इतने पुछते भाई इन्हू, हाँ भैया इधर मार्केट कहाँ कोई शॉपिंग के लिए? कितना होगा आगे? दो किलोमीटर, ढाई किलोमीटर। अच्छी मार्केट है? अच्छा चलो ठीक है, चलो कहना भी एकदम अच्छा मार्केट है आगे दो ढाई किलोमीटर पर। चलो चल रहे हैं, फिर तो साढ़े मेहनत पल्ले पै जूगी भैया। अपने को होने सारे 25 तो 20 मिनट, सारे जो मर्जी खरीद ले 25-20 मिनट तक, 25-20 मिनट के बीच। हाँ लो जी लगता कुछ आ गई अगे मार्केट जी, मैं लगता लो बी लो। चलो भाई देख लो भाई क्या लेना, फिर थले उतरना कि नहीं। हाँ इधर मार्केट जी इतने ला ला माड़ा साइड में, इधर देखते जाए कीड़े जला के आ इधर। नेपाल चाहे कुछ फायदा ले लिए, गड्डी की टैंकी कराइए फुल, इतने पेट्रोल थोड़ा सस्ता पाने इंडिया नालों, इधर तो डीजल आई इधर जी सोच गया इतने सस्ते 111 रुपये लीटर इतने तेल। उन्हें कहना हूँ ही महंगा होया नहीं, पहला सस्ता था जिहड़े ना खबर बना बना के लाउंदे ना अपना ब्रेक पावर बेच ते जिहड़े कहंदे ना भी अपने नेपाल च तेल सस्ता, कोई सस्ता सुस्ता नहीं, 111 रुपये लीटर है। कुत्तियां दा झुंड फिरदा, कुत्तियां दा फिरदा झुंड फिरदा, कहंदे कोई पै गया पंगा, वह पै गया पंगा, पै गया पंगा बी नेपाल एवं कहते सोना चिकट चौड़े साढ़े इंडिया नाल भी गंदा यार, अभी तो पंगे ही ले ले गटर बच्चे कुछ कट रहे हैं। तुम तो तरक्की कर लो यार, मैं कहना मुड़े ला रहने दे, असं नहीं लेने कपड़े भाई लेने देखने देख ले पाला मनी देख लें कटे थले जाके देख लें। सारी मार्केट इधर भाई कपड़े कट लो, कट लो कि जुत्तिया देख लो इधर देखी देखी तेन कर लो जी। नेपाल दे विच शॉपिंग हो रही हैं पर मैंने तो कोई एड्डा खास फर्क नहीं लग्या है, नेपाली पैसे कह दें फिर वह कन्वर्ट करते हैं, पैसे इन्होंने को है नहीं पता नहीं, इंडियन करंसी लेनी पता नहीं, इन्होंने पूछा माड़ा जब इंडियन करंसी ले लूँगे। चलो भाई वो कहते ले लेंगे, असं इंडियन करंसी ले लूँगे असं, पर कन्वर्ट करके ना पैसे का किन्ने बनते पैसे वो फिर उन्हें उस हिसाब से पैसे ले लेने जी। बहुत शॉपिंग आ ली नेपाल दे विच ते हुण असीं चले, बहुत ज़्यादा भी घट्टो घट्ट असीं इन्ने शॉपिंग की तुसीं पुछो ना वधिया कोई सिस्टम जो बनाया भी चल पंजाब तो इंडिया तो किसी बंद ने आना, थोड़ी जी मार्केट ने डिवेलप करनी चाहिए नेपाल वालों जिते आके बंद का ना बी इंडियन रेट लाए हो ठीक नहीं, सामने इंडिया नेपाली रेट कट्ठे लाए होने इन्होंने चाहिए भी चल बंदा आके लचावे तो समान ले लवे। चलो ठीक है टाइम मैं सोचा नेपाल मासी उन्होंने अलग कंट्री घुमाता, मैं कदे मैंने रौला पाते असं बाहरली कंट्री घूमना, बाहरली कंट्री घूमना तो घुमाते बाहरली कंट्री। चलो भाई चलो भी चल चल भी चल चलिए भाई अपने पतना इंडिया नू चलिए। भाई हट जाओ भाई, गए हो साइड हो जाओ। हाँ लो भी हम थोड़ी थोड़ी अपने इंटरव्यू भी ले लें सारे बंदे, किद्दां लगे भाई नेपाल आके? वधिया लगे, बहुत वधिया लगे नेपाल आके। हाँ जी हाँ जी भाई, मैनू वधिया नहीं लगे है, फोकी तारीफ करते हैं भाई। होर साइड आ बार्डर पर तो भाई कुछ नहीं तो हैगा, एक कड़ा बार्डर पै जाता है बलियागनी पै जाता जिदा अपना उत्तराखंड अपना लखीमपुर वाली साइड पै जाता है बार्डर, ए बार्डर साइड कुछ नहीं है भाई, बाकी बार्डर साइड वधिया होण ये रब जाण, आ बार्डर कुछ नहीं इधर, ए बार्डर नू ना आयो भाई इतने कुछ नहीं, ए साइड ते पैण बार्डर। वेलकम टू इंडिया, इत्थे नू कहिंदे इधर नू आ गए असीं। इनक्रेडिबल इंडिया, इतनी कहते हैं कुछ चेक पोस्ट सब की तलाशी करके फिर अगे निकले इतने से है आरसी लेंदे मेरी जेब से, आरसी लेके तो मैं कल ही गड्डी
वाहेगुरु सतनाम सच्चा पातशाह दिल दी धड़कना तेज हो पानी किन्ना तेज छड्डा इतने थले इधर ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਖਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਮੈਡਮ ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਰੇਤਾ ਬਣਦਾ ਕਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਾਜ ਚੋਂ ਰੇਤਾ ਨਿਕਲਦਾ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਰੇਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਬਸ ਫਿਰ ਲਓ ਬਈ ਆਹ ਲਾਸਟ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਸੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਘੇਰਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਨਾਕਾ ਲੱਗਾ ਉਹੀ ਘੇਰੂਗਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਚੱਲ ਭਾਈ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮੁੜ ਆਏ ਅਸੀਂ हां लो जी घर पहुंच गए सुखी संदी बड़ा घूमे आज भाई मीह भी नहीं हटया है मीह भी कहना तेरा देना के आज थका तजदा यार बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा मेरा वीडियो देखने वास्ते वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर कर।